नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय। उद्घोष समय में हम आपको दिखाएंगे आज की कुछ ताजा खबरें। महिला अगर किसी काम को करने की ठान ले तो वह कुछ भी कार्य कर सकती है। कोरोना जैसी महामारी के समय एक छोटी सी कोशिश कुछ लोगों की जीवन सुरक्षा बन सकती है, क्योंकि 2 गज की दूरी के साथ मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जैसा मुझे ये समय मिलता है कि कभी दिन में तो कभी रात में मास्क बनाती हूँ, फिर अगले दिन जरूरतमंदों में वितरण कर देती हूँ। मैंने जड़ी बूटियों को भी एकत्रित किया है, जैसे नीम, गिलोय, अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन की छाल और मुलेठी से नमक, इन सभी चीज़ों को कूट कर काढ़ा भी बनाया है। यह काढ़ा हम ग्रामीण क्षेत्र में वितरण करेंगे, क्योंकि ग्रामीण एरिए में अधिकांश लोग नहीं जानते और शहरी एरिया में इन चीज़ों को सभी लोग जानते हैं। क्योंकि कल की बात है, नागदा देवरी का शहर आना, वहाँ पर एक माता जी की रात में 12 बजे तबियत बिगड़ी, पेट में काफ़ी दर्द था, रात में फोन आया, तत्काल हम लोग जगह पर पहुँचे, उन्हें हमारे द्वारा बनाई हुई दवाई दी, अब उन्हें आराम है। हमारे छोटे छोटे प्रयास अगर किसी की जान बचा सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। यह सराहनीय कार्य भाजपा नेत्री एक समाज सेवी यहाँ उत्कृष्ट कर रही हैं। आम जनता के बीच जाकर उनकी सारी व्यवस्था देख रही हैं। श्योपुर से जिला संवाददाता दिलीप कुशवाहा की रिपोर्ट। आपको ये कार्य करते हुए कैसा लग रहा है? मुझे ये कार्य करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं काम करने वाला हूँ तो वो घर में भी बैठ के सेवा कर सकता है। देशभक्तों की कमी नहीं है, सरहद पर जब हमारे सैनिक भाई कर सकते हैं तो हम घर में बैठकर हम भी सेवा कर सकते हैं। मैं दिन में मास्क बनाती हूँ और फिर दूसरे दिन वितरण करके ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे लोगों को मास्क, जो बिना मास्क के हैं, तो 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। मेरा सबसे यही है कि कोरोना जैसी महामारी में जितनी मेरा मुझसे हो सकेगा, मैं इस देश के लिए, जनता के लिए समर्पित हूँ।